हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्पीड के बारे में डिस्कशन किया था। डिफरेंट जो केसेस हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड हो सकती है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारे जो टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि लीनियर ग्राफ होता है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ग्राफ है नॉन लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इतना हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। लास्ट लेक्चर में जो टर्म हमने स्पीड की बात की थी, वो जो स्पीड टर्म है वो बताती थी कि डिस्टेंस किस रेट से कवर हो रहा है, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, कितनी रेट से पर सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करता था स्पीड। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन की, मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, और उस चीज को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक और वर्ड है किसलिए? मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे चैप्टर में हम यही कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन में। तो वेलोसिटी जो बात करता है, ये बात करता है कि जैसे कि मान लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो मैं पॉइंट ए क्या बोलूंगा इसकी इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इनिशियली ये पॉइंट ए पे था, और पॉइंट बी जो होगा वो क्या होगा इसका फाइनल पोजिशन, क्योंकि फाइनली ये पॉइंट बी पे गया, ठीक है। बट ये ए से बी किसी भी पाथ से गया होगा। मान लेते हैं हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, कुछ इस तरह से मूव करके गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर पाथ लिया, पाथ वन ले देता हूं मैं, पाथ वन के थ्रू गया। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो उसका चेंज इन पोजिशन क्या है, तो चेंज इन पोजिशन ये है कि सिंपली वो ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट ए पे था, अब वो पॉइंट बी पे है। तो हम चेंज इन पोजिशन को मेजर कैसे करते हैं, ये हमने देखा था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, using displacement, the term displacement. Displacement simply ये बताता है कि object किस position से initial position से final position तक कितना displace हुआ है। Simply कहने का मतलब उसकी position कितनी change हुई है। तो जैसे कि मान लेते हैं यही तो था shortest distance जो था, यही था displacement, इसका direction हमेशा कहाँ से होता है, initial से final position की तरफ। एक simple case लेते हैं, मान लेते हैं 10 meter का distance, point A से point B का जो shortest distance है वो 10 meter है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो 10 मीटर है। एक बार अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई, तो आप सिंपली ये बोलोगे कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर उसकी पोजीशन चेंज हुई, ए से वो 10 मीटर इस डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हुई। एक्चुअल पाथ कुछ और हो सकता है, मान लेते हैं ये 25 किलोमीटर है, तो ये क्या था हमारा, ये तो डिस्टेंस था, तो यहां पे जो 10 मीटर है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। ये displacement इसके बारे में पहले पढ़ा है, और displacement actual में क्या बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखो displacement बता रहा है change in position of the object, object की position कितनी change हुई है उस बारे में बताता है, object कितना displace हुआ है अपनी initial position से final position की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ बताओ स्पीड क्या है, तो हमने बोला था स्पीड जो है वो डिस्टेंस किस रेट से कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं स्पीड। तो जैसे कि मान लो ए से बी तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को, ये जो पाथ वन है उससे ए से बी जाने के लिए उसको टाइम लगा, मान लेते हैं 5 सेकेंड्स टाइम लगा उसको 5 सेकेंड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा स्पीड कितनी, तो आप बोलोगे स्पीड, यानी कि हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 25 डिवाइडेड बाय ये 5, यानी 5 किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर कर देते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये तो स्पीड हो गया। मतलब स्पीड ये बता रहा है कि जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो पर सेकंड 5 मीटर की है ऑन एन एवरेज। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसकी पोजीशन जो चेंज हुई है वो किस रेट से चेंज हुई है, किस रेट से उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो वो तो पोजीशन चेंज तो 10 मीटर हुई है, और 10 मीटर कितने टाइम में हुई है, 5 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 2 मीटर इसकी पोजीशन चेंज हुई है ऑब्जेक्ट की, ओवरऑल 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, यही तो मतलब हुआ। तो यानी कि एक और नई टर्म होनी चाहिए कि जो पोजीशन के चेंज को भी डिस्क्राइब करे, क्योंकि स्पीड तो सिंपली डिस्टेंस कवर्ड उसके रेट को डिस्क्राइब करता है,
बट चेंजिंग पोजीशन के रेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक और टर्म हम लाए हैं, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, अगर हम यहां पे निकालना चाहें वेलोसिटी क्या होगा कि उसने 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही थी, जो कि डिफरेंट है स्पीड से, स्पीड तो आएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि वेलोसिटी जो है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, कैन बी डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पीड यहां पे 5 मीटर पर सेकंड है, स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड बोलना चाहिए मुझे उसे अभी, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस लिया है, तो एवरेज स्पीड हमारी 5 मीटर पर सेकंड है, बट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ये हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन कितनी तेजी से जा रहा है। सेकंड थिंग क्या है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, रेट एट विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। सेकंड थिंग, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, जिस डायरेक्शन में वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, वो ए टू बी की तरफ कर रहा है अपनी पोजीशन, वो इस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज कर रहा है, हो सकता है वो इसी रेट से इस डायरेक्शन में भी मूव करता है, बट इस केस में वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है, इस केस में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कहां से कहां, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया है विद 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो यहां पे आप बोल रहे हो ए से बी गया है, मतलब आप क्या बता रहे हो, डायरेक्शन भी बता रहे हो, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है दोनों है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ। तीसरी चीज, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होगी, हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की भी तो वही डायरेक्शन होती थी, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हुई होगी, यानी कि उसी डायरेक्शन में उसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। यानी थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सिंपली क्या बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की तरफ डायरेक्टेड है। ये जिस लेयर पर सिंपल है, यहां पर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करके आपको समझ में आएगा कैसे ये यूजफुल है इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन किस रेट से चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको समझ में आया होगा कि मुझे चेंज इन पोजीशन देखना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखना है, और कितना टाइम लगा उसको कवर करने में, उनका जो रेशियो होगा वो मुझे दे देगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या होगा, रेट एट विच द ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंजेस इट्स पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, उसको कितना टाइम लगा उतना डिस्प्लेस करने के लिए, वो हो जाएगा उसकी वेलोसिटी। तभी तो हमने किया, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का था और टाइम लगा 5 सेकंड का, इसलिए 2 मीटर पर सेकंड जो इसकी वेलोसिटी आई। मेरे ख्याल से आपको वेलोसिटी टर्म क्लियर हो गया होगा यहां पे कि क्या एग्जैक्टली वेलोसिटी, कैसे इंपॉर्टेंट है ये मोशन के डिस्क्रिप्शन के लिए, क्यों इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। याद रखना वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा नेक्स्ट चीज एक और देख लेते हैं कि
कि इसकी यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये बहुत ही सिंपल है, हमेशा जब भी आपको यूनिट्स निकालना है हमेशा क्या चेक करना है, कोई भी क्वांटिटी है वो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, कहां से वो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको देखना है आपको। हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। या इसको ऐसे भी लिखते हैं इसमें कंफ्यूजन होना, मीटर सेकंड की पावर माइनस वन, सेकंड की पावर माइनस वन, इसका मतलब यही है ना, मीटर पर सेकंड डिनोमिनेटर में था, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो वही स्पीड की भी यही लिखती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से डिस्टेंस था ऊपर लेंथ ही तो है, दोनों केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, चीज क्लियर होना चाहिए बच्चों को, यूनिट्स में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मैं जहां जहां आपको क्वांटिटीज जो जो पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में आपको यूनिट्स भी बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखते रहते। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी के बारे में हो गया। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे जैसे स्पीड के बारे में पढ़ा था, जहां हमने स्पीड को डिफाइन किया था, उसके बाद हमने क्या देखा था, अब कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव करके गया है तो हो सकता है उसकी स्पीड चेंज हो रही हो। तो अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है 5 सेकंड, यहां से लेते हैं, यहां से यहां तक जाने के लिए हमने टोटल 5 दिया, उसको 2 सेकंड लगा, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको 2 सेकंड लगा मान लेते हैं, और डिस्टेंस ले लेते हैं इसको, मान लेते हैं 25 मीटर, तो इसको हम रफली ले लेते हैं 12 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, 12 मीटर। तो अगर मैं अब इस पॉइंट पे पूछूं, जब ये पॉइंट बी पे था, इस पॉइंट बी पे जब ये था ऑब्जेक्ट, तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, पहले तो ये देखते हैं, तब इसका डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। जब ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट बी पे था तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, ए से बी, ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे बताओ इस समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया, अब वेलोसिटी निकालो, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया इस पाथ के थ्रू, तब वेलोसिटी डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि तब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ले लेते हैं 12 मीटर, ही डिस्टेंस की बात की, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं 5 मीटर, तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर है और टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी कितनी है 2.5 मीटर पर सेकंड जब वो ए से बी गया। दूसरी चीज डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन क्या है, वो ए से, इसको बी डैश कर देते हैं ना, बी पहले यहां यूज कर लिया, ए से बी डैश है इस बार डायरेक्शन, है कि नहीं है, और वेलोसिटी कितनी आई है 2.5 मीटर पर सेकंड, पहले आई थी 2 मीटर पर सेकंड, ये थी ए से बी के लिए, ए से बी डैश के लिए आई 2.5 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, असल में हम जो यहां पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, वो पूरे डिस्टेंस के लिए, ए से बी के लिए है। तो जब हम टोटल डिस्टेंस में ले रहे हैं और टोटल टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इस टाइप की जो वेलोसिटी है वो एक तरह से इसकी एवरेज को दिखाता है, कि ऑन एन एवरेज वो है, वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखो यहां पे वेलोसिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई, यहां पे 2.5 मीटर पर सेकंड थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे टाइम हर समय 2 मीटर पर सेकंड से ही चला होगा, ऑन एन एवरेज ही 2 मीटर पर सेकंड से ए से बी डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ और भी हो सकती है, जैसे इस केस में कितनी आई 2.5 मीटर पर सेकंड आई, ये चीज समझना, इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो सकती है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम एक नई टर्म या दो नए टर्म्स डिफाइन करते हैं। एक क्या, जैसे हमने एवरेज स्पीड डिफाइन की थी, क्योंकि स्पीड चेंज हो सकती थी, इसलिए हम यहां डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर चेंज होती है या नहीं होती है, दोनों केसेस के लिए हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज वेलोसिटी।
सेम वैसे ही जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया था एवरेज स्पीड, वैसे ही यहां पे डिफरेंट क्या है बस कि वहां पे एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट यहां पे क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात कर रहे हैं ना कि लेंथ ऑफ द पाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी एक टर्म हम यहां पे डिफाइन करते हैं। फिर से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी क्या है वो ये नहीं रिप्रेजेंट करता कि ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से थ्रू आउट द मोशन डिस्प्लेस हुआ है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑन एन एवरेज जो ऑब्जेक्ट किस रेट से डिस्प्लेस हुआ है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। इस तरह न्यूमेरिकल देखेंगे, बट उससे पहले एक और चीज, फिर एक और टर्म आ सकती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि किसी एक इंस्टेंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑन एन एवरेज है पूरे मोशन के लिए। मैं अगर पूछ लेता हूं पर्टिकुलरली जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, या इस पॉइंट से जब ए पे था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इंस्टेंट उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। जैसे मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया था जो कि ऑडोमीटर डिवाइस है वो मेजर करता था, तो यहां पे हम देखने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल टर्म है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम और इंस्टेंट ऑफ इट्स मोशन। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो किस रेट से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी इन सबके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, उससे आपको आप क्लियर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ठीक है। बाकी देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो उसकी यूनिट्स क्या होंगी, सेम होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो टर्म है वो क्लियर हो गया आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर हो गया है। अभी इसमें हम क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे और क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान पे रखना है आपको वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, और दूसरी चीज अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो अगर हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी की, तो चेंज इन वेलोसिटी का यही मतलब है कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखना है। वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाता है तो यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई ऑब्जेक्ट की। क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ इट्स ए डायमीटर 4 meter, it covers 3/4 of the circle, 3/4 of the circle in 20 seconds. Find the average velocity of the object. ये हमारा क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है जिसका डायमीटर 4 मीटर है, इट कवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल इन 20 सेकंड। अच्छा देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हमारा सर्कल, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट ने यहां से स्टार्ट करा, पॉइंट ए से स्टार्ट किया चलना, इसने 3/4 ऑफ द सर्कल जो है इसने ट्रैवल किया। 3/4 का मतलब क्या है, अगर हम सर्कल के 4 पार्ट्स करते हैं, सर्कल के अगर हम 4 पार्ट करते हैं उसमें से 3 पार्ट कवर किया इसने, मतलब एक पार्ट, ये 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4,
इसमें से तीन पार्ट, एक दो तीन, मतलब ए से घूम के यहां से लेकर इस पॉइंट तक पहुंच गए, मान लेते हैं पॉइंट डी, मतलब ए से डी गए, थ्री क्वार्टर का क्या मतलब है, चार पार्ट करके उसका तीन पार्ट उसने कवर किया। तो अगर हम बात करें, हमें निकालना एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम तो 20 सेकंड लगा उसको, ए से डी जाने में 20 सेकंड लगा, बट उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये इसका डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू डी या अलोंग ए डी, ये होगा इसका डायरेक्शन। तो हमें दिया है इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, यानी कि ये लेंथ 2 मीटर है और ये लेंथ 2 मीटर है, हमको फाइंड करना है AD। तो ये देखो हमारा क्या बन रहा है, मान लेते हैं ये सेंटर जो O है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये लेंथ तो हम निकाल सकते हैं, AD कितना आएगा हमारे पास, AD का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 प्लस 4 8, AD कितना आ गया, ऐसे लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड को, याद आपको 2√2 ले सकते हैं, ये देखो 2√2 आप कर सकते हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है 2√2 मीटर आ जाएगा, AD की लेंथ आ गई 2√2। तो इसका मतलब अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है AD, यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना है 20 सेकंड्स, नीचे आएगा 20 सेकंड्स डिनोमिनेटर में, तो कितना बचेगा √2 बाय 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग AD। हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताया करो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्शन नहीं पता लगे, क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिसमें सिंपली बोल देता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो वहां अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता लगा तो आप सिंपली क्या है मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये इस डायरेक्शन में गया है, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, तो हमेशा डिस्क्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी क्लियर किया था। ये जो समझ में आ गया कैसे कि हमने सिंपली डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया, उसको कितना टाइम लगा उस पाथ को कवर करने में, और इसी को हम बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी के बारे में, इसमें हम और भी मेंगल्स कर सकते हैं बट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कैसे अप्लाई करना है। अच्छा एक पर्टिकुलर हम केस भी देख लेते हैं, एक पर्टिकुलर केस देखते हैं, जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल हो सकती है। देखो कैसे, मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या एवरेज वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की और एवरेज स्पीड सेम हो सकती है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी गया थ्रू दिस पाथ, ये पाथ है जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था उसी को मैं जल्दी से लिख देता हूं, ये 25 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस रफली मान लेते हैं 10 किलोमीटर आया है, और मान लेते हैं इसको 5 आवर्स लगा, लेते हैं इसको 5 आवर्स लगा फ्रॉम ए टू बी जाने में। तो अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड देखो क्या होगा, बी एवरेज लिख देते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि 5 आवर्स, टोटल टाइम टेकन कितना होगा 5 आवर्स, तो कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं, अच्छा ये 10 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये इससे तो कम ही होगा ना, इसलिए मैंने 10 लिया है। तो अब अगर मैं पूछता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए ये डिस्टेंस ए से बी कितना है 10 किलोमीटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी चेंज हुई ए से बी, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और टाइम टेकन कितना है 5 आवर्स, तो कितना आया 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहां पे एवरेज वेलोसिटी जो है 2 किलोमीटर पर आया बट एवरेज स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर, हमेशा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही होता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होता है, यानी एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड से कम ही आएगी। बट एक पर्टिकुलर केस और होता है जिसमें
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी होते हैं, यानी कि मैंने बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो इक्वल टू वाला जो केस है वो हम यहां देखने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल जब होंगे तब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी तो इक्वल हो जाएगा। तो वो कौन सा केस है, ऐसा कब होगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब होगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इसी पाथ से गया होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए टू बी, इसी पाथ से गया होता है। तो वो पाथ कैसा है? वो पाथ है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जाना है लेकिन इसी डायरेक्शन में, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहेगा। मैंने वन डायरेक्शन इसलिए बोला है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी गया, स्ट्रेट लाइन में गया, बट वो वापस भी आ गया, मान लो सी पॉइंट पे आ गया, अभी भी स्ट्रेट लाइन में है, दोनों स्ट्रेट लाइन में, ए से बी गया और बी से सी वापस आ गया, स्ट्रेट लाइन में गया, बट यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल तो नहीं है। जब वो सी पे आया तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, बट डिस्टेंस कितना है? ए से बी प्लस बी से सी। समझ में? यानी कि अगर हम चाहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो तो उसका एक ही केस है जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इक्वल हो, तो उसका एक ही केस है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो वो वाला केस हम ये ले लिया है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी गया है, ये डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है, उसको 2 आवर्स लगा और वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मैं सिंपली पूछता हूं, बताओ एवरेज स्पीड ए से बी तक जाने में और एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक जाने में, दोनों चीजें कैलकुलेट करो। आपको क्लियर दिख रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा? मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्टली समझ सकते हो मेरे ख्याल से। यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 20 किलोमीटर, टाइम टेकन 2 आवर्स है, तो यानी कि एवरेज स्पीड हो जाएगा 20 / 2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी यही होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, टाइम टेकन 2 आवर्स है, यानी कि यहां पे एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 20/2, यानी कि ये भी आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों केसेस में, यानी कि हम बात करें v एवरेज, v एवरेज का मतलब क्या है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, एवरेज स्पीड कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख देता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वेक्टर बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड लिख लेना, याद है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर एक एरो बनाना है और मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगाना है। तो ये हमें दे रहा है, ये एवरेज है किसका? एवरेज वेलोसिटी कितना है, वो दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी या अराउंड ए बी, ठीक है। तो ये दोनों देखो मैग्नीट्यूड सेम है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है इस पर्टिकुलर केस, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन कर रहा हो। ये था हमारा इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आपको और भी मिल जाएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। मैं दो नई टर्म्स के बारे में बात करूंगा, जैसे हमने स्पीड के बारे में बात की थी, स्पीड में हमने बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात की थी, कि अगर ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट जो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है तो हमने कहा था वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब कि वेरिएबल स्पीड से चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दो टर्म्स हैं वेलोसिटी के लिए भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मतलब हमेशा कांस्टेंट रह सकती है, और वेरिएबल भी हो सकती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दो टर्म्स आती है। बट वहां पे जो क्वांटिटी थी, जो स्पीड है, वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो वहां पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये था कि स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, मतलब हर घंटे में या हर सेकंड में यूनिट टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो मतलब 20 किलोमीटर आवर्स पर आवर से थ्रू आउट द उसका जो मोशन है, थ्रू आउट द मोशन उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही रही, तो हम बोल देते थे कांस्टेंट स्पीड है। बट कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते वो हमें यहां समझना है, ठीक है, देखते हैं। तो
तो कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, पहली चीज वेलोसिटी है क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने ये बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम मैग्नीट्यूड्स हो दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो भी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल होंगी या सेम होंगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या है, बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रह रहे हैं। ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जब कांस्टेंट होंगे, तभी मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसे कि वहां स्पीड कांस्टेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात थी कि अगर स्पीड फिक्स है 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, तो मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वहां डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मैंने आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कौन से टर्म यूज करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, देखो कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, नहीं आएगा यहां पे क्या आएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे एक जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये एवरेज वेलोसिटी जो है इसका मान लो 2 किलोमीटर पर आ रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है हर घंटे 2 किलोमीटर ही डिस्प्लेस हो रहा है, हर घंटे 2 किलोमीटर ही डिस्प्लेस हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे एक डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। देखो इक्वल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है मैग्नीट्यूड भी उसका कांस्टेंट है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, समझ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो फिक्स रह सकता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव कर रहा है, तो देखो जब वो इधर था, मान लो इधर से इधर गया, तब तो इसका डायरेक्शन ये था, जब वो यहां से यहां गया तब डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी देखो यहां से यहां जा रहा है तो डायरेक्शन ये है इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कर्व पाथ में कभी भी ऑब्जेक्ट है तो इट कैन नॉट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, भले ही इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। मान लेते हैं ये जो है 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 2 मीटर का है, सबको टाइम जो है सेम है, 1 सेकंड में ये 1 सेकंड में, ये भी 1 सेकंड में, मैंने डिफरेंट पोजीशन लिए रैंडमली, नाम दे देता हूँ ए बी सी डी एंड ई एफ, ए से बी के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है 1 सेकंड में, सी से डी में 1 सेकंड में, इक्वल इंटरवल्स दे रहा हूँ, इक्वल इंटरवल्स। अगले यहाँ पे जब मैंने देखा ई से एफ, वो भी 1 सेकंड में 2 मीटर लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम है बट डायरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन देखो, यहाँ पे 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे 2 मीटर का इस डायरेक्शन है, ये ऐसे है थोड़ा सा, ये इस डायरेक्शन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन हुआ है, तो मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है। तो
बट यहाँ पे तब हम उनको इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं। अब ये कह सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। जब वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म नहीं होगा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट एक ही पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है जब ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। क्यों? डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, डायरेक्शन चलो यही है, इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए कि पर सेकेंड जो है वो पर सेकेंड यहाँ पे भी इसने 2 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे भी 2 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे भी 2 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे भी 2 मीटर पर ट्रेवल किया हर सेकेंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी कितना है, 2 मीटर का है, यहाँ पे भी 2 मीटर का है, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 2 मीटर, हर एक जगह पे इसका डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन है, डायरेक्शन फिक्स है, यानी ये सारे डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। अब हर एक सेकेंड में हर सेकेंड इनका डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये वाला पर्टिकुलर केस जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तभी हो सकता है जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और तब उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा जरूरी भी नहीं है। जैसे मान लो वो ए से बी एक सेकंड में इसने 3 मीटर ट्रेवल कर दिया, यहाँ पे उसके बाद दो पॉइंट्स कहते हैं, यहाँ पे इसने 2.5 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ लेते हैं उसने 5 मीटर ट्रेवल कर दिया एक सेकंड में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो फिर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे भले ही डायरेक्शन इक्वल हो। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, बट ये जरूरी है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता। ये क्लियर रखना आपको, ये 2-3 एग्जांपल्स हैं डिफरेंट केसेस की। तो पहला वाला जो है ये क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, ये किसका है, ये वाला, ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अभी हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वैसे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो जाएगा, और ये वाला भी किसका है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। नॉन यूनिफॉर्म का क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, अगर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल नहीं है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो गया। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पर जल्दी से, बहुत सिंपल है, आप समझ भी गए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो अगर मुझे लिखना है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर उसको डिफाइन करना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक चीज आप नोट करना, जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो मैं बोल रहा हूं बार बार, जो मैंने आपको स्पीड में भी बोला था, यूनिफॉर्म स्पीड में भी बोला था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी बोला था, यहां भी बोल रहा हूं, ये जो इक्वल इंटरवल्स हैं ये कितने भी स्मॉल हो सकते हैं। यहां पर 1 सेकंड का ले रहा हूं और छोटे ले सकता हूं, 0.5 सेकंड का ले सकता हूं, कितने भी छोटे इंटरवल लेना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर इंटरवल में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इस केस में, यूनिफॉर्म के केस में, तो ही हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये लिख लेना हमेशा की, इसको हम लिखते कैसे, हाउसोएवर स्मॉल द इंटरवल मे बी, मतलब इंटरवल जो है टाइम का कितना भी स्मॉल ले सकते हो आप,
हर अगर आप बहुत स्मॉल है, मान लो आप 1 मिलीसेकंड का इंटरवल ले रहे हो, उसमें भी जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो इक्वल आएंगे सारे, ठीक है, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इक्वल इंटरवल बोला तो कितना भी स्मॉल इंटरवल हो सकता है, तो सब में इक्वल आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इक्वल आएगा डिस्टेंस तो भी तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो इक्वल इंटरवल टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके मैंने आपको एग्जांपल बताई दी है, ठीक है। ये जब भी हम वर्ड्स यूज करते हैं, जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बोलते हैं, तो हमेशा दिमाग में होना चाहिए आपके कि वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसलिए यहां जब बोल रहे हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, मैं इसको यहां अलग से लिख देता हूं। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? हो सकता है दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, दो बार जो डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हैं अलग अलग टाइम में, दो डिस्प्लेसमेंट का मान लो मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में एमएच लिख रहा हूं, इक्वल है, मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट का और दूसरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, बट डायरेक्शन जो है पहले डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल नहीं है दूसरे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के, तो ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होंगे। एक केस ये बन गया, मैं लिख देता हूं इसको ए, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड जो है वही इक्वल नहीं है, भले ही डायरेक्शन इक्वल है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है, फर्स्ट का और सेकंड का डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल है, सेम है, इक्वल मतलब सेम है, ठीक है। जैसे कि ये वाला केस था, ये वाला केस जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है बट डायरेक्शन सेम है, तो भी ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स है। और एक लास्ट केस, एक तो हो गया दोनों में से कोई एक इक्वल नहीं है, तो लास्ट क्या होगा? अगर दोनों ही इक्वल ना हो, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है साथ साथ डायरेक्शन भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो भी ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कहलाएंगे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक ही कंडीशन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट की मैं यहां लिख देता हूं, या यहीं पे लिखते हैं। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का क्या कंडीशन है? कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही चाहिए पहले और दूसरे डिस्प्लेसमेंट का, साथ साथ क्या डायरेक्शंस भी इक्वल होना चाहिए, यही कंडीशन है। ये दो वेक्टर्स के इक्वल होने की कंडीशन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना ही चाहिए और साथ साथ क्या डायरेक्शंस भी इक्वल होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया आपको? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। काम करते हैं, जल्दी से हम ग्राफ भी देख लेते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा था किसके किसके बीच में देखा था डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, मैं यहाँ पे थोड़ा इसे फास्ट पढ़ाऊंगा आपको कि आप समझ गए कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो यहाँ पे मैं फटाफट से दिखा देता हूँ आपको इन दोनों केसेस से ग्राफ, लेकिन ग्राफ किसके बीच में है ये चीज क्लियर होना चाहिए। ग्राफ देखते हैं, कौन सा ग्राफ देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। वहां पर हमने क्या देखा था? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यहां पर आप देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये जो ग्राफ है हम एक पर्टिकुलर केस के लिए देख रहे हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले के लिए देख रहे हैं, इन वन डायरेक्शन, इसके लिए देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन में क्या डायरेक्शन चल रहा है, तो क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डायरेक्टली हमको पता है कौन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो वो ग्राफ आप कैसे समझ जाओगे? उसमें यूनिफॉर्म कोई मतलब नहीं है, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहा हूँ, आप यूनिफॉर्म का नॉन यूनिफॉर्म का वो अलग लिख रहे हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ, यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया, हमेशा एक्सिस पे आपको कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो और साथ में यूनिट्स, हमेशा मान लो हम किलोमीटर से, और इस एक्सिस पे क्या हमेशा टाइम,
अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो सिंपली आप वहां पे वैल्यूज नहीं लिख रहे होंगे। कभी भी मैं आपको उसके एग्जांपल्स दूंगा जहां कुछ नहीं लिखा होता है। टाइम मान लेते हैं आवर्स में, ऐसे यहां पे लिख लेते हैं, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को डीआईएसटी करके, बट ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होता है, सिर्फ यहां लिख रहा हूं टाइम आवर्स, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ जो है लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। उसका रीजन ये है कि इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है। तो यहां पे भी आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म ग्रेविटी का जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सफिशिएंट है, यहां पे ले लेते हैं 10 20 30 40 एंड 50। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो हर एक घंटे में 10-10 किलोमीटर मूव कर रहे हैं। फर्स्ट आवर में 10 किलोमीटर, सेकंड आवर में 10 किलोमीटर, थर्ड में 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट घंटे में उसने इनिशियली रेस्ट पे था, मान लेते हैं वो रुका हुआ था, तो जब वो जीरो टाइम था तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था। जैसे एक घंटा हुआ उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो ये पॉइंट लेना आपको। दो घंटे हुआ तो 20 कर लेना, क्योंकि सेकंड आवर में भी उसने इसमें 10 किया, इसमें 10 किया, टोटल 20 हो गया। इन दो घंटे बाद उसने डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर, एक घंटे में डिस्प्लेसमेंट उसका 10 किलोमीटर होगा। ऐसे ही आप 3 घंटे में 30, 4 घंटे में 40, 5 घंटे में 50, तो हमको ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्राफ बन जाएगा और ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये समझ में आया, सिंपल है। ऐसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर से मैं यहाँ पे टाइम एक्सिस पर टाइम ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ ले लेते हैं 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। अगर मान लेते हैं उसमें जो फर्स्ट आवर में है, पहले तो रेस्ट पे था, ले लेते हैं कंडीशन जो पहले से रुका हुआ था, जब उसने मूव किया तो पहले घंटे में उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। डिस्प्लेस उसका कितना हुआ 20 किलोमीटर का, ये डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे ध्यान देना। अगले एक घंटे में उसने 10 किलोमीटर और ट्रैवल किया, यानी 10 ये हो गया, एंड टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर अगले एक घंटे में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगले एक घंटे में उसका डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं 40 किलोमीटर का, 40 किलो अगले एक घंटे में टोटल 40 हो गया, तो मतलब कितना हो जाएगा टोटल 40 हो जाएगा, मतलब अगले घंटे में 10 किलोमीटर का और डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगले घंटे में अगले हम मान लेते हैं कि उसने एक घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, 5 किलोमीटर का, अगले एक घंटे में 5 हुआ, तो पहले 40 हो ही गया था। अगर वो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन जा रहा तो 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। और लास्ट के हम मान लेते हैं कि उसने सिर्फ 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया, एक केस ले लेते हैं, तो 2 किलोमीटर का क्या होगा एक घंटे में, मतलब 2 किलोमीटर और ऐड करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5वें घंटे में 2 किलोमीटर इसमें ऐड करेंगे तो यहां कहीं आएगा रफली, तो ये यहां हो गया। अब मैंने इतने डिफरेंट वैल्यूज क्यों लिए, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हर किसी एक घंटे में उसने 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट रहा, अगले एक घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर का रहा, फिर अगले एक घंटे में कितना रहा उसका, फिर से 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट रहा, फिर अगले एक घंटे में उसका सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट रहा, और लास्ट के जो एक घंटा था उसमें सिर्फ 2 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ पोजीशन से। तो इन दोनों सभी पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो मुझे इसका ग्राफ मिलेगा। ये देखो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आएगा, कौन से पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बनाया मैंने, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए मैंने आपको बताया है। तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया, लीनियर ग्राफ नहीं आया, इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा नॉन लीनियर ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए नॉन लीनियर ग्राफ आएगा और ये क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। लेकिन किसके किसके बीच में, कौन कौन सी क्वांटिटीज के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ नॉन लीनियर आएगा, व्हिच इज क्लियर, ठीक है, सिंपल। मैं एक करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आपको पूरा जो अभी तक हमने पढ़ाया उसको कैसे अप्लाई करना है वो चीज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम इस लेक्चर।
ये हमारा रहेगा इस लेक्चर का एग्जांपल 2। ठीक है, एग्जांपल 2 क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन मूव्स backwards, या turns backwards लिख देते हैं, and then turns backwards and travels 30 किलोमीटर। an object moves in a straight line, it moves a distance of 100 किलोमीटर from point A to point B, time ही बता देते हैं, in 20 seconds। And मैंने 100 किलोमीटर लिखा ना, इसको 20 आवर पर लिखते हैं, इन 2 आवर्स पर लिखते हैं, ठीक है, 2 आवर्स, एंड देन टर्न्स बैकवर्ड्स एंड ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन लेट्स से इन 1 आवर, लेट्स से 1, ठीक है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड and average velocity of the object, average speed and average velocity of the object from A to B and दूसरा केस ले लेते हैं A to B and then A to या from A to B, एक तो हो गया A से B तक and for होल जर्नी, ठीक है, पूरी जर्नी के लिए, मतलब ए टू बी और उसके बाद बैकवर्ड्स मूव करके उसने 30 किलोमीटर चला टोटल जर्नी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, मैं डायग्राम बना दूंगा तो उससे आप क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। ठीक है, देखो पहले तो हम इसको सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अच्छा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया है, ए से बी मूव किया है 100 किलोमीटर से, ये दिया, उसके बाद इसमें कितना टाइम लगा, इसमें 2 आवर्स का टाइम लगा, उसके बाद ये टर्न किया बैकवर्ड और उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया इन 1 आवर, तो बैकवर्ड्स ट्रेवल करेगा, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो बैकवर्ड इसी लाइन के अलावा इसको यहां से 30 किलोमीटर यहां पे मान लेते हैं पॉइंट n मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट n, तो a से b गया और वापस 30 किलोमीटर, इसको a से b जो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ट्रैवल करने में 2 आवर्स लगा और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 आवर लगा। तो हमको दोनों केसेस के लिए, जब a से b गया तब के लिए हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और जब वो टोटल जर्नी के लिए, होल जर्नी के लिए, मतलब ए से बी एंड बी से वापस एम, इस पूरे के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड दोनों। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं, ए से बी के लिए, तो जब वो ए से बी गया तो मैं अगर एवरेज स्पीड निकालता हूं, एवरेज स्पीड, तो हमको पता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखो कितना है, ए से बी है 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 2 आवर्स, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज वेलोसिटी निकाले तो एवरेज वेलोसिटी होगा ए से बी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है, कितना है 100 किलोमीटर और टाइम टेकन कितना है 2 आवर्स, तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ए टू बी या अलोंग ए बी, ये लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बतानी है, अगर आपको एक क्वेश्चन में पता लग जा रही है डायरेक्शन तो, ठीक है, नहीं पता लग रही तो आप उसको कहते कि मैग्नीट्यूड बताया आपने छोड़ सकते हो। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं, फॉर होल जर्नी, फॉर होल जर्नी मतलब कहां से, ए से बी से एम,
इस पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड जो है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो ए से बी प्लस बी से एम, ये होगा टोटल डिस्टेंस ए से बी और बी से एम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमको पता है कितना होगा, ए से बी जितना टाइम लगा 2 आवर्स प्लस बी से एम लगा 1 आवर। ए से बी कितना टोटल 100 प्लस बी से एम 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 130 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। कितना है 130 बाय 3 किलोमीटर पर आवर, आप उसको पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी गया बी से एम, तो डिस्प्लेसमेंट ए एम हुआ ना, तो ए एम कितना होगा 100 माइनस 30 यानी कि कितना आएगा 70 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट आया 70 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन फॉर होल जर्नी, होल जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो 2 आवर्स प्लस 1 आवर यानी 3 आवर्स। 3 आवर्स का जो टाइम लगा यानी कि आंसर आएगा 70/3 किलोमीटर पर आवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ये थी फाइनल ये, सॉरी इनिशियल पोजीशन ये थी फाइनल ये, तो ए टू एम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू एम, और इसको इस तरह आप कैसे लिख सकते हो अलोंग ए एम, ये होगा इसका क्या डायरेक्शन, ए से एम की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर होगा कैसे क्वेश्चंस करने, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सिंपल है, जैसे स्पीड था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसी में गलती कर सकते हो, और बाकी सिंपल चीजें सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन को आपको माइंड में रखना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है वेलोसिटी के, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लीज कीप इन माइंड द डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज को ऑपरेट करोगे क्वेश्चंस में या कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये क्लियरली ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा देखो स्पीड और वेलोसिटी के दो टर्म्स क्लियर हो गए। इससे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद अभी मोशन के डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं जिसको। एक्सेलरेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू।